हाँ जी अगे चलते हैं पुत्र, जिवें चैप्टर मुक्कण ते आपां करदे हां कि लेट अस ट्राई टू अटैम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो अगेन रिकमेंड करूँगा कि क्वेश्चन पढ़ के जिदा मैं वीडियो भी समझाया तुहानू पहला पिक करने की कोशिश करो। पर्टिकुलरली डिफरेंशियल क्वेश्चन की है, यू हैव लिमिटेड टाइप्स, तो टाइप पिक करो कि है, तो टाइप पिक करके एंड अदे करस्पॉन्डिंगली प्रॉब्लम नू अप्रोच करो। ठीक है, सो लेट अस डू दोज प्रॉब्लम्स एंड पहला तुसी ट्राई करो, पॉज करके फिर सोल्यूशन देखियो। ठीक है, लेट अस गो हैड, स्टार्ट करते हैं वी दे क्वेश्चन तो। और एक जनरल जिहड़ा प्रॉब्लम पूछन का तरीका उन्हों का, तुहानू कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिती होगी तो पहला की कराओगे, तुहाडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा लोगे तुहाडे। ठीक है, सॉल्व करा लिया तो तुहाडे कोल कुछ भी वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। और तो सी की जिहड़ी वैल्यू है वो कढ़ाने लई दे विल गिव यू सम कंडीशन। ठीक है, भी जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की जीरो है, जिवें इत्थे आ देता है तो एक्स पता है वाई पता है, उत्थों तुहाडे कोल की होगा सी आ जाएगा। तुहाडे कोल सी आ गया तो तुहाडे कोल प्रॉपर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इत्थे इहदी वैल्यू आ गई जो भी आई है। हुण इहदे च दो तरीके दे सवाल पुछ सकदे, या तो वह कहणगे जी हुण जिद्दां इहदे च पुछा कि वाई वन दसो, वाई वन मतलब कि एक्स की वैल्यू वन पुट करके वाई किन्ना आया, या इदा भी पुछ सकते कि वाई एक्स इज़ वन मतलब वाई की वैल्यू वन है तो एक्स किन्ना है। सो उहदी मर्जी है, जो मर्जी पुछ सकते, बिकॉज वंस तुहाडे कोल फंक्शन आ गया तो एक्स पुट करा के वाई कढ़ा सकते हैं, वाई पुट करा के एक्स। तो दिस इज़ लाइक तुसी मन के चलो कि लगभग मतलब 95% क्वेश्चन के अंदर इदा ही रहेगा कि इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट कढ़ाएगा उसके बाद या एक्स दे के वाई पुछ लेगा या वाई दे के एक्स पुछ लेगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। बिगनिंग वाले क्वेश्चन मैं पूरे सॉल्व कर देना, दैन जो रिपीट होंगे तो दैन आई विल जस्ट गिव द हिंट कि किवें करना। सो पहला तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए कि टाइप बनती है। इफ यू सी डी वाई बाय डी एक्स माइनस वन है ना, ई दी टर्म्स इधर इकट्ठिया कर लो, ई दी पावर वाई ना इतने नीचे ले जाओ इधर, सो दैट विल बी इक्वल टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई। राइट, सो क्लियरली दैट इज, हाँ जी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज हाँ जी एक्स माइनस वाई। सो ये आई गेस वेरिएबल सेपरेबल के बाद मैं थोड़ा कराया से वीडियो के फंक्शन ऑफ लीनियर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन हो गया तो यू गाइस कैन सब्सटीट्यूट दैट इक्वल टू टी। सो दैट इज़ अ लीनियर एक्स वाइस लीनियर है, तो की तरीका होंगे इस एक्स लीनियर टी पुट कर दी तो एक्स माइनस वाई न टी पुट कर ली और रिड्यूस कर ली आप वेरिएबल सेपरेबल। सो दैट्स इट, सो लेट्स डिफरेंशिएट, वन माइनस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। सो डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया पुत्र, इतों एनू इधर लै जाओ, दैट इज़ वन माइनस डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर टी प्लस वन। ठीक है, सो थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन टी ते एक्स के अंदर वेरिएबल सेपरेट हो गई। ठीक है, सो अगर टाइप से याद है तो थिंग्स शुड बी वेरी इजी। सो वेरिएबल सेपरेट कर लो, आ गया माइनस ई दी पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ मेयर फॉर्मेलिटी, इंटीग्रेट ई रेस्ट पर माइनस टी दी इंटीग्रेशन। अच्छा इतने लीनियर है ना, तो कि आएगा ई रेस्ट पर माइनस टी डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ माइनस माइनस वन तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़े को यदा सोल्यूशन आ गया, टी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस वाई माइनस ऑलरेडी अगे ई रेस्ट पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अच्छा हुण आ दिता है वाई जीरो जीरो, वाई जीरो जीरो मतलब जब एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो है। ठीक है, सो लैट्स एक्स जीरो तो वाई भी जीरो, सो आ गया ई दी पावर जीरो इज इक्वल टू सी, सो सी आ गया वन। सो देयरफोर फंक्शन आ गया ई दी पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। हुण अगे वाई वन पुछता है तो एक्स की वैल्यू वन तो वाई पुछता है, तो लेट्स प्लग एक्स वन दै। ठीक है, एक्स वन प्लग करके वाई कर लिए, सो देयरफोर व्हेन एक्स इक्वल टू वन ई दी पावर वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन टू। ठीक है, सो वाई कर लिए, लॉग ले लो, वाई माइनस वन इज लॉग टू, वाई इज इक्वल टू वन प्लस लॉग टू। सो वी हैव डी ऑप्शन, क्लियर। सो लेट्स मूव
ahead. Okay. वो कहना जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस. हाँ जी केड़ी फॉर्म है होमोजीनियस. ए दी भी डिग्री टू आ भी डिग्री टू दी टर्म. सो इट्स अ होमोजीनियस. सो लेट्स क्विकली मेक इट इन द प्रॉपर फॉर्म. वाई बाई एक्स की फॉर्म चलाइए. ऊपर भी एक्स को ना डिवाइड कर लो तो ऊपर आ गया वाई बाई एक्स, नीचे भी. ठीक है. सो दिस इज योर रिड्यूस्ड इन द प्रॉपर फॉर्म. तो अगे की स्टेप होंगे वाई बाई एक्स टी पुट कर लो या वाई इक्वल टू टी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डी वाई बाई डी एक्स जिन्ना तुम कर लिया तो दिस शुड बी लाइक फेयरली ईजी फॉर यू. ठीक है. सो एक्स डी टी बाय डी एक्स. सो इतने प्लग कर दो वैल्यू. सो टी प्लस एक्स डी टी बाय डी एक्स. ठीक है. इक्वल टू हाँ जी इतने टी अपॉन 1 + t² सो दे बाद आ वाला टी इधर ले जाके ए भी वेरिएबल सेपरेट बन जाती है टी ते एक्स. सो लेट्स सिंपलीफाई दैट. टी कॉमन कर लो. दैट इज 1 - 1 - t² बाय 1 + t². सो दिस इज इक्वल टू -t³ / 1 + t² इक्वल टू एक्स डी टी बाय डी एक्स. ए भी वेरिएबल सेपरेट कर लो. आ वाली टर्म पल्ले बने. सो 1 + t² / t³. ठीक है. टी क्यूब नीचे लिया. डी टी इज इक्वल टू -dx/x. ठीक है. आई होप इन्ना समझ आ गया. आ वाली टर्म आप बेटे इधर न्यूमिनेटर चला गया. आ वाली डिनोमिनेटर च इधर एक्स इधर लै गए. तो हूँ आप इंटीग्रेट कर दी. ठीक है. नाउ लेट्स आ कि आ गया टी दी पावर -3. टी दी पावर -3 दी इंटीग्रेशन. हाँ जी टी दी पावर -2 बाय -2 आ कि आ गया 1/t log t -log x + c. ठीक है. एंड टी इज वॉट टी इज वाई बाय एक्स. ठीक है. तो तुसी इन्ना लिख लो. मैं सोल्यूशन इतने लिख रहा हूँ. लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस. ठीक है पुत्र. तो हाँ जी इनू इतने हूँ मैं लिख ला. तो कि आ गया टी इज़ वाई बाय एक्स. सो दैट इज उपर -2 है. x² बाय y² -2y² इज. अच्छा इनू इधर लिया. लॉग टी इधर आके आ जाएगा. लॉग प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी. सो लॉग लॉग ए प्लस लॉग बी. लॉग ए इन टू बी इतने कि आ जाऊगा. लॉग ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू सी. वॉट इज टी? टी इज वाई बाय एक्स या टी एक्स इज वाई. तो इतने मैं वाई करता. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. नाउ लेट्स सी की पूछा गया. कहना जी वाई वन वन है. मतलब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की 1 है. सो दिस विल बी लाइक -1/2. वाई वन इज 1 देयरफॉर लॉग 1 0. सो सी तो आ गया -f. तो देयरफॉर सी -f आ गया. इतने प्लग इन कर दी है ना. थोड़े को पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया उसका. इज दैट क्लियर? हाँ जी. हूँ की पूछता है? हूँ पूछता है कि वाई एक्स इज ई. एक्स की वैल्यू लभो कि वाई ई है. तो वाई ई पुट कर दो. ठीक है. इतने इतने देयरफॉर व्हेन वाई इज ई कि आ गया x² बाय -2e². ठीक है. एंड लॉग ई इज 1. ठीक है. लॉग ऑफ ई इज 1. तो 1 पल्ले बने ले आवा कि आएगा -1/2 - 1. दैट इज -3/2. सो माइनस भी कटिया गया एंड 2 भी कटिया गया. इनू स्टैप में भुल जाए हैगा. ठीक है. तो देयरफॉर x² इज इक्वल टू 3e² x इक्वल टू ±√3e. सो इज दर एनी? यस, √3e इज द ऑप्शन. ठीक है. सो आ थोड़ा सोल्यूशन आ गया. ओके. एक्स नॉन नेगेटिव है और डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो 1 + x (dy) आ डी एक्स नीचे तार लो. ठीक है. सो लेट्स पुट इन अ प्रॉपर फॉर्म. इज इक्वल टू 1 + x² + y - 3. सो क्लियरली लीनियर है ना. बट इफ यू सी आई मीन इतों दो तरीके ना कर सकते हो. हम दोनों को बहुत लंबा छोटा फर्क नहीं पड़ना है ना. या तो पूरी लीनियर बना लो. लीनियर अगर लीनियर प्रॉपरली बनाई तो की बनी? इनू आ जाएगा -y/1 + x है ना.
is equal to 1 plus x the whole square minus 3 by 1 plus x. So, या तो ऐवें कर लो, या जिवें थोनों विच मैं किसी वीडियो च कहा सी कि थोड़ा सौखा करना है, जिवें इत्थे 1 plus x इनू कैपिटल x मान लो और y minus 3 इनू कैपिटल y. ठीक है, तो थोड़ा एक अद्धे स्टेप का फर्क पै जाएगा. सो 1 plus x इज कैपिटल x और 1 y minus 3 इज कैपिटल y, देयरफॉर d y by dx, क्योंकि लीनियर है, इज d कैपिटल y by दिस. वैसे भी कर लोगे उदा भी आंसर आ जाएगा. तो थोड़े को इक्वेशन आ गई d कैपिटल y by dx, कैपिटल x हो गया, डिवाइड कर दो x square by x x प्लस कैपिटल y by कैपिटल x. सो थोड़ा जहा ईजी हो जाएगा, बट nonetheless, सो दिस इज द इक्वेजन. सो हूँ कि पुत्र, दैट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दैट इज़ डी वाई बाय डी एक्स, आ वाली वैल्यू थोड़ी को पी आई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. ठीक है, सो लीनियर की करते होंने, लीनियर करते हैं अपना पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर काढ़ लो, ई दी पावर, हाँ जी, इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी किन माइनस वन बाय एक्स डी एक्स. ठीक, माइनस, हाँ जी, लॉग एक्स, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है. ठीक है, सो आ माइनस उपर ले जाओ, दैट इज ई दी पावर लॉग ऑफ एक्स दी पावर माइनस वन, दैट इज़ वन बाय एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. और मैं थोड़ा कहती या तो वह मल्टीप्लाई करके लिख लो, या सीधा रिजल्ट याद रखो कि अगर आ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्यूशन की होंगे यदा. ठीक है, आए वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आए डी एक्स. रिमेंबर दैट, अगर इदा या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके तुम वो एक स्टैप लिख लो, अदरवाइज सीधा भी ऑब्जेक्टिव से चलो सीधा ही लवेंगे, बट ईवन सब्जेक्टिव भी आ तो सीधा लिख दो, इट्स परफेक्टली फाइन. तो आडा हूँ सोल्यूशन आ गया आए वाई, वाई कि पुत्र वन बाय एक्स, सो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू कि पुत्र एक्स, आए कि वन बाय एक्स डी एक्स. सो देयरफॉर एक्स आ जाएगा, दिस इंप्लाइज वाई बाय एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, एक्स प्लस सी, थोड़ा सोल्यूशन हो गया. सो लेट मी रेज दैट. आ जरा पॉइंट क्या मैं आज जरूर नोट करियो, आ सीधा डायरैक्ट सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव डायरैक्ट करया करो. तो देयरफॉर हुण आ सोल्यूशन च इत्थे कैपिटल एक्स वाई च आया ना, तो वैल्यू पुट कर दो, वट वॉज कैपिटल वाई, वाई माइनस थ्री, एक्स मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर विच इज़ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन द होल स्क्वेयर प्लस सी एक्स, एक्स इज एक्स प्लस वन. सो दिस इज द सोल्यूशन. ठीक है, आ सोल्यूशन आ गया थोड़े को पुत्र, हूँ की कहें वाई टू जीरो है हूँ. ठीक है, एक्स की वैल्यू टू पुट करके वाई जीरो, तो फिर एक्स थ्री पुट करके वाई आ जाएगा. ठीक है, दैट इज ईजी नाउ. अच्छा, डायरेक्ट जो सवाल है थोड़ी वीडियो चो, कहता डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व. तो पहला तो किन्ने पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है बी. ठीक है, सो देयरफॉर इनू एक बार डिफरेंशिएट करांगे, फोर बी वाई प्लस फोर बी स्क्वायर. सो लेट अस डिफरेंशिएट वन टाइम, टू एक्स इज इक्वल टू फोर बी डी वाई बाय डी एक्स एदी जीरो. तो लेट्स डू सम सिंपलीफिकेशन. तो थोड़े को वैल्यू आ गई यदि बी दी, सो बी आ गया, दिस इज एक्स बाय टू वाई डैश इक्वल टू बी. ठीक है बेटे, डी वाई बाय डी एक्स में आप वाई डैश मान लिया, सो एक्स बाय टू वाई डैश इज बी. नॉ सिंपली नीड टू प्लग दिस वैल्यू ऑफ बी इन देयर. ठीक है, सो लेट अस डू दैट. देयरफॉर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स बाय टू वाई डैश इन टू वाई एंड फोर टाइम्स बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय फोर वाई डैश द होल स्क्वायर. ठीक है, बाकी तो सिंपलीफिकेशन ही है पुत्र. सो ठीक है, एलसीएम ले लो, सो एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, टू एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स कैंसिल कर दो, सो एक्स वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई वाई डैश प्लस एक्स. चेकआउट किड़ा ऑप्शन है, दैट इज बी. ठीक है, सोखा जी, गुड गुड. तो नेक्स्ट
ओ कहिंदा जी दिस इज द डिफरेंशियल क्वेश्चन दैट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सीधी सीधी डिफरेंशियल क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल ना, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आ वाली टर्म परले बनने आ रही है, इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर. एंड चलो हुण आपां वेरिएबल कर दईए सैपरेट, वाई वाली टर्म आ नीचे ले आओ, ठीक है, आ वाली टर्म जिहड़ी है एक्स वाली बेटे इधर ले जाएंगे और वाई वाली इधर, ठीक है. सो वी हैव डी वाई बाय रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई. मतलब ये फ्री दे मार्क्स है. डिफरेंशियल क्वेश्चन इज सो प्रोसीजरल, पता होंगे स्टैप्स किदा किदा दे, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन भी आइडिया होंगे कि इदा इदा आप करना, तो उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन सही करनी होंगी है, ठीक है. और ये जरूर है कि सम टाइम टाइम कंज्यूम होंगे कि मान लो एग्जैक्ट भी ना बनता हो, और मान लो लीनियर का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है 5-7 मिनट का, बट आई वुड रिकमेंड कि इन्वेस्ट दैट टाइम, बिकॉज यू नो कि अगर तुम ठीक कर दो तो थोड़े 4 मार्क्स पक्के है, ठीक है. दैट इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिकॉज कई चीज़ें होंगे ना कि यार सोचना पैना, इस तुम्हें पता कि तरीका आया तो एवें करना. ओके, हाँ जी, इंटीग्रेट कर दिए, साइन इनवर्स वाई डायरेक्ट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. हाँ जी, हूँ सी आ देता है कि वो कहता कि वाई ऑफ हाफ, एक्स की वैल्यू हाफ है तो वाई की इन्नी है, ए प्लॉक कर दो, तो वाई की किन्नी है रूट 3/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स की किन्नी है हाफ. तो लेट अस सी व्हाट वी गेट, दिस इज पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 प्लस सी, एंड वो इधर ले जाओ 30 + 60 90, तो सी आ गया पाई बाय 2, ठीक है, इन्ना क्लियर है. तो सी साढ़े को पाई बाय 2 आ गया, तो थोड़े को सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल क्वेश्चन का, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2, या पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स. सो दिस इज द सोल्यूशन. नाउ पूछा कि वाई ऑफ 1/√2, तो मतलब एक्स की वैल्यू जब 1/√2 वाई किन्ना है, तो ठीक है एच पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 1/√2 कॉस इनवर्स 1/√2 दैट इज पाई बाय 4, इधर लै जाओ वाई आ जाएगा साइन पाई बाय 4 1/√2, आंसर इज हेयर, राइट. सो ये हो गया. ओके, नैक्सट ये कहता जी वाई वाई एक्स इज द सोल्यूशन कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ना हाँ जी, पहला इक्वेशन पछाणो, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स, हाँ जी की है, डिग्री अड अड है, होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो रहा है ना, कट्ठे ही जाओगे जिते नाल जाओगे. तो फिर देख दस्ते सी सिंगल एक्स सिंगल वाई की टर्म चेक करो, ठीक है. सो एक एक्स है, तो दैट कैन बी रिड्यूस्ड इन लीनियर इन एक्स, है ना. तो अगर तुम देखो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स, इनू डी एक्स बाय डी वाई लिख लो, ठीक है. सो दैट लीनियर इन एक्स बन जाए, एंड दैट इज़ लीनियर इन एक्स. सो देयरफॉर ये आ गया डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. सो दिस इज ऑफ द टाइप डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. और यदा सोल्यूशन कितना होता है, हाँ जी याद होना चाहिए, हाँ जी आई इन टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई डी वाई, ठीक है. आ याद हो सीधा, अगर डी वाई बाय डी एक्स है तो आई वाई होंगे अंदर, तो क्यू आई रहेगा डी एक्स, तो अगर डी एक्स बाय डी वाई तो आई एक्स. सो इतने पी थोड़े को 1 है, क्यू है वाई स्क्वेयर, दिस इज क्यू दिस इज पी, तो पी 1 है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज पी डी वाई दैट इज ई दी पावर वाई. सो देयरफॉर द सोल्यूशन मैं डायरेक्टली ला रहा इज आई एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई दी पावर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू विच इज वाई स्क्वेयर, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई दी पावर वाई डी वाई. नाओ आ इंटीग्रेशन कितना करनी, क्लियरली बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स जो है शॉर्टकट दस से वो करो, राधर दैन 2 बार बाय पार्ट्स लाया जाए, क्योंकि वाई स्क्वेयर है ना बट, एक बार लवेंगे वाई आएगा फिर दूजी बार, तो शॉर्टकट फॉर्मूला लाइए आप. शॉर्टकट फॉर्मूला की सेगा, एदी करनी है डिफरेंसिएशन, एदी इंटीग्रेशन. तो पहला एवें एदी इंटीग्रेशन ई दी पावर वाई, फिर माइनस एदी डिफरेंसिएशन करो, एदी इंटीग्रेशन प्लस एदी डिफरेंसिएशन एदी इंटीग्रेशन, ठीक है. फिर एदी अगे डिफरेंसिएशन करांगे 0 आ जाएगा, उत्थे फिर रुक जाना प्लस सी,
ठीक है, इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाता सी, ठीक है, सो रिमेंबर दैट। सो ऑलमोस्ट देयर, हम की करना है, सिंप्लीफाई, ई रेस्ट पर वाई, ई रेस्ट पर वाई, ई रेस्ट पर वाई, इन्हें डिवाइड कर दो, देयरफॉर सॉल्यूशन आ गया वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू प्लस सी बाय ई द पावर वाई, ठीक है, दैट इज सी इंटू ई रेस्ट पार माइनस वाई, राइट। तो हूँ की करना है आप, बाकी अगेन वो सिंपल वाई जीरो वन, सो जब एक्स की वैल्यू जीरो है वाई की वन है, इतने पुट कर दो, वैन एक्स इज जीरो वाई वन, ठीक है, बाकी तो हूँ सी कढ़ने से ही है, दैट इज ई द पावर माइनस वन, सो थोड़े को इतों तो वन इधर लै जाओ बेटे, माइनस वन इज इक्वल टू सी, ठीक है, सो देयरफॉर आएगा वन बाय ई, ई आ गया या सी आ गया माइनस ई, ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी माइनस ई प्लग इन कर दी है इतने। तो लास्ट हूँ की पूछता है, लेट्स सी, इतने सी आ गया माइनस ई, तो इत तक आ गया, हूँ कहता जी दिस कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, तो एक्स से कितने मीट करेगा जितने वाई जीरो होएगा, सो लेट्स पुट वाई जीरो, सो आ जीरो हो गया, आ वाई जीरो समथिंग रेस्ट पर जीरो वन, एक्स आ गया टू माइनस ई, ठीक है, तो ए हो गया प्रॉब्लम थोड़े 2020 वाले, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके हमने आ गया 19 दे प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिखा पुत्र अगेन डिफरेंशियल क्वेश्चन गिवन है, तो आ हो गया सी दी वैल्यू कढ़ने वास्ते, तो आ पर्टिकुलर मैंबर कढ़ने वास्ते, तो काम ही आसान करते उन्हें लीनियर बना के देती है, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो पहले तो आई कर लिए ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, थ्री वन बाय कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सो ई इज पर थ्री टेन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सोल्यूशन कितना होंगे बेटे आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी एक्स, तो लेट्स सिंपली प्लग इन द वैल्यू, आई कितना ई दी पावर थ्री टेन एक्स इंटू वाई इंटीग्रेशन, हाँ जी क्यू कितना पुत्र वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई दी पावर थ्री टेन एक्स डी एक्स, हूँ इंटीग्रेशन करनी है, हाँ जी किमें करा सबस्टिट्यूशन, यदा डेरीवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सो या थ्री टेन एक्स नू टी पुट कर लो, ठीक है, सो थ्री सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, सो थोड़ा वाई ई दी पावर थ्री टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री, सो थ्री सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, सो दैट इज ई दी पावर टी डी टी, ठीक है, सो ई रेस्ट पर टी बाय थ्री प्लस सी, थोड़ा सोल्यूशन आ गया टी इज इक्वल टू ई रेस्ट थ्री टेन एक्स, सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट, ठीक है बेटे, सो सोल्यूशन थोड़ा बन गया y e रेस्ट पार थ्री टेन एक्स, हाँ जी वन बाय थ्री ई रेस्ट पार थ्री टेन एक्स प्लस सी, नौ सी कढ़ाने वास्ते x पाई बाय फोर ते y n है, सो वैन x इज पाई बाय फोर y इज फोर बाय थ्री, सो फोर बाय थ्री टेन पाई बाय फोर वन ई क्यूब, ठीक है, टेन पाई बाय फोर वन ई क्यूब प्लस सी, सो आ गया थ्री बाय थ्री सी आ गया ई क्यूब, ठीक है, तो सी की वैल्यू इतने पुट कर दो, थोड़े को पूरा मैंबर आ गया उस फैमिली का जरा चाहिए, ठीक है, सो लैट्स प्लग इन देयर, दैट इज ई रेस्ट पर थ्री, हूँ की चाहता है एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर वाई किन्ना है, सो एद एक्स माइनस पाई बाय फोर टेन माइनस पाई बाय फोर इज माइनस वन, ठीक है, सो वाई चाहिए माइनस दिस एंड वन बाय थ्री ई रेस्ट पर माइनस थ्री प्लस ई रेस्ट पर थ्री, सो हाँ जी इनू वाई चाहिए, तो दैल बी इक्वल टू वन बाय
थ्री प्लस ई रेस्ट टू पावर सिक्स, ठीक है, ए ऑप्शन है। ठीक है बेटे, सो आगे चल दें। वो कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अगेन सेम ओल्ड स्टोरी, कांस्टेंट करने लिए बाकी फिर फंक्शन आ गया, फिर चेक कर लो केड़ा है। तो पहला तो फॉर्म केड़ी है, अगेन उन्हें कम सौखा करता है, लीनियर है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, थोड़े को पी हो गया तो आ क्यू बना के देता है। तो पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर लो, दैट इज ई रेस्ट टू पार इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स टू प्लस वन बाई एक्स डी एक्स ई रेस्ट पार टू एक्स प्लस लॉग एक्स, दैट इज ई द पावर टू एक्स इन टू ई द पावर लॉग एक्स विच इज एक्स, है ना। सो एक्स इन टू ई रेस्ट पार टू एक्स। तो आते थोड़े को आगे इंटीग्रेट फैक्टर होने, सोल्यूशन क्या होगा, वाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई डी एक्स, वाई आई किन्ना एक्स ई दी पावर टू एक्स, हाँ जी क्यू किन्ना से पुत्र ई दी पावर माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स आई किन्ना एक्स ई दी पावर टू एक्स डी एक्स। सो दिस गोज, सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। सो सी कटने लिए देता है कि जब एक्स वन है वाई एन है, सो वैन एक्स इज वन, मतलब ऑप्शन तुम फिर चेक कर लो किड़े किड़े, ठीक है। आप मैं फंक्शन तुम्हें कर दिना, तो एक्स वन तो वाई दिस, सो देयरफॉर ई रेस्ट टू पावर माइनस टू बाय टू ई रेस्ट टू पावर टू इज इक्वल टू वन बाय टू प्लस सी, सो देयरफॉर सी आ गया जीरो, ठीक है। सो सी जीरो आ गया पुत्र, तो थोड़े को फंक्शन आ गया, ठीक है। वंस वी हैव द फंक्शन आ जीरो हो गया, सो देयरफॉर वाई आ जाएगा, एक्स भी कट आ गया, सो दैट इज एक्स बाय टू ई रेस्ट पार माइनस टू एक्स। सो बाकी दा जो भी पूछा सी इंक्रीज डिक्रीज या कोई पर्टिकुलर वैल्यू, दैट यू कैन इजीली चेक, ठीक है। ओके हाँ जी, केड़ी फॉर्म है, अगेन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल लीनियर फंक्शन बने आप एक्स वाई दा, तो एक्स माइनस वाई नो अपना टी पुट कर लेंगे, राइट। तो देयरफॉर डी एक्स, वेट डिफरेंशिएट करिए, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स, यदि वैल्यू इतने प्लग इन कर दो, इक्वल टू टी स्क्वायर, हमने वेरिएबल सेपरेट हो गया, ठीक है। वन माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन काट के इधर रखते, सो इंटीग्रेट कर दो। तो हाँ जी, फॉर्मूला वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, वन बाय टू ए, ए इज वन लॉग टी माइनस वन बाय टी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, और टी की वैल्यू पता है एक्स माइनस वाई, है ना, इतने पुट कर दो एंड मैच कर लो, और मुड़वरा सी की वैल्यू कटने ले देता है, ठीक है ना। हूँ मैं सिर्फ रिड्यूस करी जाना, बाकी तुम करी जाओ, ठीक है, और आंसर जरूर मैच करो। अगेन हाँ जी, अभी सौखा काम करता उन्हें, बनी बनाई इक्वेशन केड़ी लीनियर, ठीक है, एक्स ना डिवाइड करता, सो डी मोर ओवर एग्जैक्ट भी बनी हुई है, था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स डी एक्स, दैट इज डी ऑफ एक्स इन टू वाई, और लीनियर ना भी करोगे एक स्टेप जाते ही तुम आ जाओगे, ठीक है। सो एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ठीक, इंटीग्रेट, हाँ जी आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ जी बाई पार्ट्स एदा डेरिवेटिव तो यदा इंटीग्रेशन लॉग एक्स एज सच, एक्स द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस डेरिवेटिव वन बाय एक्स इन टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ठीक है। सो दैट इज अगेन एक्स स्क्वायर बाय टू, सो देयर फॉर एक्स वाई एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स, हाँ जी एक्स स्क्वायर बाय फोर, थोड़े को बेटे सोल्यूशन आ गया, ठीक है। और हूँ सी की वैल्यू कटने ली, वंस अगेन देता है कि जब एक्स की वैल्यू टू है तो वाई दी एन है, ठीक है, और जब फंक्शन आ जाएगा फिर बाद
उन्होंने पूछा था एक्स ई है ते वाई किन्ना है, सो नाउ आई गेस यू कैन डू दैट अगेन. आंसर तो पता 19 का पेपर है ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन मैच द आंसर एज वेल राइट. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ही देखो एक हो जाए क्वेश्चन है, बट टाइप्स क्लियर हो ना फटाफट. ओके कहते हैं द कर्व पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो ए सी कड़न ले देता है एंड हैज स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई बाय एक्स. सो क्लियरली दिस इज लीनियर. ठीक है, दैट इज प्लस टू बाय एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, लीनियर है तो हूँ थोड़ा हो गया पी, दिस इज पी, दिस इज क्यू. ठीक है, तो पहला तो आई काढ़ लो, ई रेस्ट पार इंटीग्रेशन पी डी एक्स टू लॉग एक्स, तो दैट इज एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आई आ गया, सोल्यूशन क्या आएगा बेटे, देयर फोर सोल्यूशन विल बी, हाँ जी, आई वाई वाई इन टू आई इज इक्वल टू क्यू आई डी एक्स. सो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इन टू आई किन्ना पुत्र एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब एक्स द पावर फोर बाय फोर प्लस सी. सो यू गॉट द सोल्यूशन, हूँ एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की माइनस टू है, सो पासिंग थ्रू वन माइनस टू देयरफॉर दैट इज माइनस टू एक्स वन है बेटे दैट इज वन बाय फोर प्लस सी देयरफॉर सी इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन बाय फोर. ठीक है, दैट इज माइनस नाइन बाय फोर. ठीक है, देयरफॉर कर्व आ गई थोड़े को राइट देयर आर सोल्यूशन है. सो कर्व आ गई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स फोर बाय फोर माइनस नाइन बाय फोर, या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस नाइन बाय फोर एक्स स्क्वायर. अच्छा हूँ की चाहता है, दैन इट ऑल्सो पासिस थ्रू. सो सिंपली चैक, ये तो पुट चैक करने वाला क्वेश्चन होगा, चार ही ऑप्शन चैक करो, देख लो कि सैटिस्फाई कर दे, इज दैट क्लियर. तो नेक्स्ट कहना लेट वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, अगेन ये भी साफ नज़र आ रहा है, सिंगल वाई लीनियर बना के रखी है सारे क्वेश्चन उन्हें. ठीक है, उन्हें क्या भी तुसी बस सॉल्व करो, फॉर्म आइडेंटिफाई करने की लोड़ नहीं, इन्हें डिवाइड करता. सो टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू वाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर. सो दिस इज योर पी, दिस इज क्यू, तो लेट्स गेट आई, हाँ जी, ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. हाँ जी, हूँ टी है उपर वह डेरीवेटिव है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन की डिफरेंस इन टू एक्स, तो इन टी पुट करोगे डी टी, सो वन बाय टी द लॉग ऑफ दिस, सो ई दी पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यदा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. तो सोल्यूशन की आ जाएगा जी, वाई आई इक्वल टू क्यू आई डी एक्स, सो वाई इन टू आई इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज दिस राइट वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो एक कट जूगा, सो दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी दैट इज दिस. सो वी हैव दिस जनरल सोल्यूशन एंड वाई जीरो जीरो आ गया पुत्र, जो मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, तो वाई जीरो आ भी जीरो हो गया, तो आ भी थोड़े को जीरो टेन वर्ड जीरो इज जीरो, तो सी जीरो आ गया. ठीक है, देयरफॉर थोड़े को पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, एंड दैट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन. हूँ की कहता इफ रूट ए इंटू वाई वन, सो देयरफॉर रूट ए इंटू वाई वन, एक्स की वैल्यू वन पुट करो इतने वाई वन टेन वर्स वन पाई बाय फोर, इतने वन टू आ गया दैट इज पाई बाय एट इज इक्वल टू पाई बाय थर्टी टू. ठीक है, दैन वट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, फाइन पाई कटिया गया. ठीक है, दैट इज अठ ते चार, सो रूट आ वन बाय राइट, रूट ए इज वन बाय फोर,
ए इज 1/16, ठीक है, स्क्वायरिंग करते दोनों पास। ओके सो अगर तुसी ऑब्जर्व करो तो मतलब अगर ध्यान ना करो तो 4-5 मिनट क्वेश्चन बड़े ईजीली सॉल्व हो जाता है, यहो जहाँ जे जिन्ना मर्जी लेंदी करके दे दो। हाँ जी, इक्वेशन की कहता है कि 2 + sin x इधर y + 1, तो क्योंकि इधर 0 है तो या परले पास से चला जाना है तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया है ना, वेरिएबल बड़े आराम ना सेपरेट हो रहे हैं, माइनस y + 1 cos x, सो सेपरेट कर लो वेरिएबल, dy/y+1 = -cos x/, ठीक है। सो नाउ दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म, राइट। हम माइनस है तो ऐसा आ गया लॉग ऑफ, हाँ जी, y+1 = -, हाँ जी, यानू टी पुट करो 2 + sin x नू ऊपरों दा डेरिवेटिव है, सो आ टी या डी टी, सो 1/t लॉग ये भी आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 + sin x + log c या c वट एवर है ना। हूँ अगेन y 0, x की वैल्यू 0 है तो y 1 है, ये देखो को सी आ जाएगा, सी आ गया तो फिर x/2 पुट करके वाई कर लेना है, ठीक है। आई होप है ना, क्लियर है।